आज भाजपा पांगी मंडल की समीक्षा बैठक किलाड़ में पार्टी कार्यालय के भीतर की गई और इसमें जो मेरा प्रवास पांगी में था उस प्रवास की जो अध्यक्षता की है वो यहाँ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाजपा के श्रीमान चंद जी द्वारा की गई और इस पांगी में प्रवास के बीच मेरे साथ महामंत्री श्री सुरचंद जी और महामंत्री देशराज जी और यहाँ के टीएसी मेंबर जो पांगी से हैं श्री राजकुमार जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री मौजूद रहे। इस प्रवास में जो हमने कार्य किए उस प्रवास में हमने सेक्टर वाइज ग्राम केंद्रों के जो सम्मेलन किए वो सुराज से हमने जब शुरू किया था तो कल पिछले कल उसको हमने चेरी में समापन किया जो कि पुर्थी की और चेरी पड़ता है वहाँ से हमने इसका समापन किया। और इसके साथ साथ ये जो कार्य किए इसमें हमने मोर्चाओं की बैठक भी की थी। शुरू में आते ही मंडल के पदाधिकारियों को व्यवस्था हेतु बैठक की थी। उसके बाद जो ये सेक्टर के सम्मेलन हमारे संपन्न हुए हैं उस उन सारे कार्यों के हेतु आज हमने मंडल के पदाधिकारियों को बुला के एक समीक्षा बैठक की और उसमें कैसे कैसे कार्य हुए, क्या क्या संख्या रही, कौन कौन से अपेक्षित लोग वहाँ पहुँचे थे, ऐसी सारी व्यवस्था हमने की। इस व्यवस्था के साथ साथ हमने मंडल में किए गए कार्यों का विभाजन भी किया जिसमें मुख्य तौर पर मोर्चों के सभी ग्राम केंद्रों के प्रमुखों को हमने बनाया है जिनको बूथ जो है आवंटित किए हैं। हर मोर्चे के ग्राम केंद्रों के हमने ग्राम केंद्र प्रमुख बनाया जिसमें सबको बूथ आवंटित किए हैं। साथ में मंडल के द्वारा जो बूथ के प्रभारी बनाए गए उन बूथ के प्रभारियों को भी जिम्मेवारी हमने सुनिश्चित की है। सभी का कार्य विभाजन कर लिया है। ये जो कार्य है ये कार्य इस प्रवास के बाद जो कार्य मंडल की ओर से किए जाने हैं, मंडल की ओर से 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में जितने भी हमने मोर्चों के प्रभारी मंडल के द्वारा नियुक्त किए वो मोर्चों की बैठक लेंगे। बैठक लेने के बाद 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक इसकी भौगोलिक स्थिति पांगी की इस तरह से है कि एक ही समय में जो है बूथों में बैठक करना मुश्किल है।